हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू फ्लेवर्स बाय पूजा। तो दही बड़े खाने में हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भी हम उसे खाने की सोचते हैं तो उसको बनाने में बहुत सारा झंझट होता है। पहले दाल को भिगाना होता है, फिर उसको पीसना होता है, फिर बड़े को फ्राई करना होता है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है और हम फिर दही बड़े बनाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैं लाई हूँ इंस्टेंट दही बड़े की रेसिपी, जिसको आप खाएंगे तो आपको वही दही बड़ों का स्वाद मिलेगा। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ दही। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दही और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चीनी। यहाँ पर मैंने लिया है पाउडर चीनी। बस चीनी को मैंने मिक्सर में घुमा दिया है और वो पाउडर हो गया है। उसके बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची अगर आपकी कम ज़्यादा तीखी हो उस हिसाब से ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो ये मेरी मिर्ची है वो काफ़ी तीखी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक। तो काला नमक बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे एक विस्क की हेल्प से या फिर एक स्पून से। तो लीजिए हमारा जो दही है, दही बड़े का, वो रेडी हो चुका है। तो इसको हमें बिल्कुल ही लम फ्री बनाना है। चलिए अब बनाते हैं इंस्टेंट दही बड़ा। तो इसके लिए मैंने लिया है ब्रेड। तो मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब उसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ हमारी धनिए पुदीने की चटनी या ग्रीन चटनी। तो एक स्लाइस ब्रेड पर इस चटनी को अच्छे से स्प्रेड करना है। तो लीजिए स्प्रेड हो गया है। अब हम दूसरे ब्रेड को इस चटनी लगे हुए ब्रेड के ऊपर रख देंगे। उसके बाद अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो पहले हाफ कर देंगे, उसके बाद बाकी 3-3 पीसेस और कर लेंगे। तो लीजिए हमारे ब्रेड भी कट कर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इनको हम सर्व करने के लिए प्लेट में रखते हैं। तो इसको सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इस पे डाल रही हूँ जो मैंने दही प्रिपेयर की थी वो। तो दही अच्छे से हमें डालना है इसके ऊपर, क्योंकि दही में ही सबसे अच्छा टेस्ट होता है। दही डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चटनी, यानी कि इमली और गुड़ की चटनी। तो ये चटनी कैसे बनती है इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं और आप भी इसको बना सकते हैं। रेड चटनी स्प्रेड करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ उसमें फिर से ग्रीन चटनी, यानी धनिया पुदीने की चटनी। तो इसकी भी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ मेरे चैनल पर जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी दही में भुना हुआ जीरा है। उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते। तो पुदीने के पत्ते आप भी ऐड कीजिए, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पुदीने का। हाँ, अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और धनिया के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पुदीने के पत्तों को मैंने रख दिया। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें भुजिया नमकीन। आप चाहें तो भुजिया नमकीन की जगह नायलॉन सेव भी यूज़ कर सकते हैं या आलू भुजिया भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए भुजिया ऐड हो गया है। और सबसे लास्ट में अब मैं ऐड कर रही हूँ कुछ अनार के दाने। तो अनार के दाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लीजिए हमारा इंस्टेंट ब्रेड दही बड़ा बनकर रेडी हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।